तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हो गए हैं, काटने पड़ेंगे। हाँ चलो बेबी, आज तुम्हारे बाल काट देती हूँ। ये तो बिछ गया। जाओ मित्सी, इस तरह से मत करो। हाँ तो फिर और किस तरह से करूँ बताइए।
ये मुझे नहीं पता है मित्से। हैरी आप हंसना बंद करेंगे, आइए मेरी मदद कीजिए। ठीक तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से आप हंस रहे हैं। कभी कभी मैं ये बात सोचता हूँ कि इस चीज के लिए मैंने पैसे क्यों खर्च किए थे। जो पैसे आपने इस पर खर्च किए, काश मैं उन्हें अपने बालों पर खर्च कर पाता। हर बात में बोलना होता है क्या? बस कट गए तुम्हारे बाल, तुम बहुत प्यारी लग रही हो हिमावरी। ये अच्छी बच्ची इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हम सबसे हैंडसम हेयर स्टाइलिस्ट से इसके बाल कटवा रहे हैं, हमसे कटवाने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैम ये अंकल तो बहुत पैसे लेंगे। हम जाएंगे रिसाइकल स्टोर। अरे मॉम, क्या आप इस घर को छोड़ के जा रही हैं? हाँ? आप सुन रही हैं चैनल परसों तक, हमें अभी भी खबर मिली है कि एक हाउसवाइफ अपने घर को छोड़कर जा रही हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तो फिर आप क्या कर रही हैं? सारे कबर्ड्स भरे पड़े हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा सामान निकाल रही थी। आप इन चीजों को फेंक देंगी? मैं कभी कोई चीज नहीं फेंकती, समझे? मैं इन सब चीजों को रिसाइकल शॉप में ले जाऊंगी। इन्हें वहाँ ले जाकर क्या करेंगी? ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, मुझे जिन चीजों की जरूरत नहीं है मैं उन्हें रिसाइकल शॉप में ले जाऊंगी और फिर वहाँ ये किसी और को बेच दी जाएंगी। थोड़ा सा पैसा रिसाइकल शॉप वाला रख लेगा और बाकी मुझे मिल जाएंगे। क्यों, अब बात समझ में आई? मतलब आप अपने एक्सेल साइज के कपड़े बेच देंगी क्योंकि आपका साइज ट्रिपल एक्सेल हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? ये कपड़े थोड़े पुराने हैं। अच्छा, अरे ये शॉप है कहाँ? अरे हाँ, ये रही सामने रिसाइकल शॉप। ये देखिए, इस तरह का स्टाइल और रंग बहुत पॉपुलर है। ये क्रीज फ्री है, इस पर कोई कट भी नहीं है, कोई निशान नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही इस पर चूज कर गया था, वो भी तो बताइए। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? वैसे भी मेरे सारे कपड़े डिजाइनर हैं, इनसे अलग होने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, मुंह बंद रखो। मैं तो कहती हूँ आप इन्हें ले लीजिए, आपको फायदा ही होगा। वो ठीक है, पर मैं अभी आपको पूरा पैसा नहीं दे सकती। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि अगर सामान नहीं बिका तो मेरे लिए तो वेस्ट है। जितने पैसों की मैंने उम्मीद की थी उसने उतने पैसे नहीं लगाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये सब कपड़े बिक जाते हैं तो अगले हफ्ते मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। नहीं बिकी तो? जरूर बिकेंगे, कुछ ना कुछ तो बिक ही गया होगा। वहाँ जाकर चेक करें। अभी तो एक ही दिन बीता है बेटा। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, अब यही रुको, मैं चला। रुको रुको, क्या हम दोनों वहाँ जाकर बाकी का सामान देख कर आए? मैंने कल ध्यान से कुछ भी नहीं देखा था, आज हमें कोई जल्दी भी नहीं है, तो चले। शॉप में आपका स्वागत है। थैंक यू। कल जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा आपके पास अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, कुछ पसंद आया तो ले लूंगी। आप आराम से देखिए, यहाँ बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अरे हाँ, वहाँ देखती हूँ। मॉम, जो चीजें हम कल लाए थे वो यहाँ पर है, इधर आइए। आपके पास तो वाकई बहुत अच्छी चीजें हैं, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये क्या, मेरी तो एक भी ड्रेस नहीं बिकी है, मुझे लगता है ये जगह ही बेकार है। मेरे ख्याल से इन ड्रेसेस को कहीं और लगाना चाहिए। शिनचैन, मेरी मदद करोगे प्लीज? नहीं कर सकता, अगर हम पकड़े गए तो मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। वैसे मैंने पहले सोचा था कि सेल के पैसों से तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ होने वाला है। प्लीज, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कोई नहीं है। कस्टमर। अरे कितना सुंदर स्कर्ट है, वाओ, ब्रांडेड है, कितना लकी दिन है। ओह नो, ये मेरे लिए बहुत छोटी है, मुझे फिट नहीं होगी। ओहो, ये ब्लाउज तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगता है ये मुझे फिट आएगी। क्या करूँ, लूँ या नहीं? प्लीज दे लीजिए, अगर आप ये पहनेंगी तो आप बहुत सुंदर लगेंगी, सब आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगी, हर लड़की चाहेगी कि ऐसे कपड़े उसके पास भी हों। क्या सच में? हाँ, और एक लास्ट की बात बताऊँ, ये एकदम नया है, मेरी मॉम ने इसे खरीदा था।
है इसलिए वो इसे पहन नहीं पाई। आपको तो ये पक्का फिट आएगा। क्या सच? मैं इसे खरीद लेती हूँ। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता। शिचैन तुम तो ग्रेट हो। अरे ये ड्रेस तो शानदार है। मैं तो कहता हूँ आप इसे खरीद लीजिए। अरे ये तो मेटर्निटी ड्रेस है। पता नहीं अभी क्या बोलेगा। ये ड्रेस आपको इतनी अच्छे से फिट आएगी कि जब आप इसे पहनेंगी तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखेंगी। ये ड्रेस मुझे अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए लेना है, समझे? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ड्रेस आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छी रहेगी मैडम। एक लास्ट बात बताऊँ, ये ड्रेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ये पहनी नहीं थी। उनका साइज ट्रिपल एक्सल है ना, इसलिए। तुम बहुत बोल रहे हो शिनचैन। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये ड्रेस खरीद सकती हूँ? ये वाली भी बिक गई? ये सब मेरी वजह से हुआ। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय मैम। अरे मैडम, ये ड्रेस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू है। मेरी मॉम ने जल्दी खरीदी थी, उनका साइज एक्सेल था लेकिन उसके बाद उनका साइज ट्रिपल एक्सेल हो गया। उन्होंने इसे पहना ही नहीं, इसीलिए ये लाल मारी में ही रखी रही है। मुझे लगता है तुम अलमारी बोलना चाहते हो, है ना? अरे वाह, आपकी नई तरह इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया। अरे मैं सच बोलता हूँ और आपको बुरा लग जाता है, ऐसा क्यों? तुम्हें शॉप में ये सब बेकार की बातें करने की क्या जरूरत थी, बोलो? है, लेकिन एक जगह मैंने आपकी तारीफ भी करी थी। वो भी बोलने की जरूरत नहीं थी। ये रहा सेल में आपका हिस्सा, प्लीज गिन लीजिएगा। थैंक यू, सब कुछ बिक गया। ये तो वाकई कमाल हो गया, यिप्पी! मेरी वजह से। थैंक यू सो मच। मैम आप यहाँ से कुछ खरीदेंगे नहीं? मॉम, वैसे वेस्ट मत करना। हाँ हाँ मुझे मालूम है। वाह, ये बेबी ड्रेसेस कितनी सुंदर है, देखूं तो। हाँ कितने सुंदर शूज है। अरे बढ़िया कैसेट। हाँ मुझे ये सब कुछ खरीदना है। ओह ये स्कार्फ कितना सुंदर है। वाह मुझे तो अच्छी डील मिल गई, मजा आ गया। आप इतना सारा सामान रखेंगी कहाँ पर? घर में इतनी जगह भी नहीं है। उस बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है बेटा, अभी के लिए तो उन्हें अलमारी में ही रखना। हमेशा की तरह। हमारे घर पर होगी किटी पार्टी। टन टन हैमबर्गर ब्रेड, सबसे बड़ा एग्जीबिशन। इस शनिवार हम लोग नुहारा रेजिडेंस पर एक किटी पार्टी रखेंगे, क्या ख्याल है? किटी पार्टी? वो क्या होता है? क्या उसमें डांस भी होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाऊंगी, हम लोग साथ में खाना खाएंगे और बातें करेंगे बस। मतलब बेकार में पैसे खर्च करूंगी? मैंने बोला ना कि ये किटी पार्टी है। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन ये ऑडियो तुम्हें अचानक कहाँ से आ गया? वो बात ये है कि हर साल एक ही चीज कर करके मैं बोर हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं कुछ नया करना चाहती हूँ और थोड़े मजे करना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? डैड डैड ये देखो। चलो एक किटी पार्टी करते हैं, मैं समझ गया। मम्मी यही किताब पढ़ी होगी। अच्छा गेस्ट लिस्ट। सबसे पहले मैं ओके के घर जाकर उसे इनवाइट करती हूँ और उसके बाद मेरी दो फ्रेंड्स और भी हैं। मम्मा इस किटी पार्टी में नैनी को दीदी को जरूर बुलाएंगे। तब तो मुझे कावागुची को भी बुलाना चाहिए। आपको नहीं बुलाने की इजाजत दी जाती है। टेस्टी लग रहा है। मॉम इधर आइए, इस डिश को देखिए, क्या आप इसे पार्टी के मेन्यू में रख ले? मुझे देखने दो, कौन सी वाली? अच्छा ये वाली, लेकिन बेटा ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा जिसकी साथ में है उसे रख ले। बेटा ये बहुत एक्सपेंसिव डिश है, हम लोग ये नहीं बना सकते। बेटा ये एक किटी पार्टी है, मुझे सारी चीजें घर पर ही बनानी होगी और वो भी कम खर्च में, समझे? मॉम झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ आप अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चेंगी। ये सब क्या कह रहे हो? चलो टेबल सेट हो गया। अरे ऐसे मत करो बेबी, हिमावारी प्लीज। शिनचैन बेटा इधर आओ और थोड़ी देर हिमावारी का ध्यान रखो। ओके। मॉम मुझे लगता है कि आज आप शीरू को खाना देना भूल गई हैं। ओह नो, मैं तो भूल ही गई। शिनचैन प्लीज, क्या तुम शीरू को खाना दे दोगे? मैं नहीं दूंगा, मैं सारे काम अकेले नहीं कर सकती, देख नहीं सकते, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे क्यों चिल्लाती रहती हो हर वक्त? अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो बाहर जाकर लॉन में पानी छिड़किए। पार्टी के लिए जो खाना बनेगा वो मैं तुम्हें भी दूंगा। हाँ।
सारे नैपकिन से ये करना बंद करो, इधर लाओ। इसे भी खराब कर दिया, मैंने तुमसे कहा था ना हिमा वाली का ध्यान रखो। अपनी तो खाता श्री को खाना दो। हाँ, ओ नो, मैं तो गैस कम करना भूल गई थी, अब क्या होगा? इसका डर था वही हो गया। मोम आप कुक मत ही करो, डैड कर लेंगे। तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? ये सब मैंने जानबूझकर किया है। इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो? हमेशा हर बातें चिल्लाया नहीं करते। बस बहुत हो गया, यहाँ पर कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम ये इस तरह कहाँ जा रही हो? अरे ये तो चली गई बेटा। मम को बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। बेटा बड़ों की तरह। आप हमेशा मुझे कंफ्यूज कर देती हैं डैड। हर बार तुम गलत जो बोलते हो पहले। अब सारे गेस्ट्स को मुझे फोन करके बताना होगा कि पार्टी कैंसिल हो गई है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ पार्टी हो। डैड पार्टी कैंसिल मत करो, हम पार्टी करेंगे। अरे लेकिन बेटा, डैड मॉम की जगह आप क्यों नहीं कुक कर लेते? बेटा इतने सारे लोगों के लिए मैं कुक नहीं कर सकता हूँ। मैं इतने लोगों के लिए क्या बनाऊंगा? दिमाग पर अगर बहुत ज्यादा जोर डालूं तो एक ही चीज का नाम आता है, जबा पर खिचड़ी। हाँ तो बना लो ना, कम से कम किटी पार्टी तो होगी। तो ठीक है, आज पार्टी होके रहेगी। टेस्ट तो करो शिंचन। अभी करता हूँ। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी? ये टेस्टी है पर डिफरेंट है। सुबह तारीफ करता है। थोड़ा ध्यान से शिंचन। आप भी अपना ख्याल रखना डैड। हाँ हाँ। थैंक यू बेटा। आपको ध्यान से काटना चाहिए था। लेकिन एक बात तो है कि तुम्हारे साथ काम करने में मुझे मजा बहुत आ रहा है। मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। बाप और बेटी का प्यार अपनी झलक दिखा रहा है। इस नए सीरियल का डायलॉग है क्या? थोड़ी देर और पकी देने से शिंचन तुम्हारा काम पूरा हो गया? बस हो गया। शाबाश मेरे बच्चे। मेरा नाम है कसु कभी का राइस बोल मैन। पार्टी का वक्त शुरू नहीं हुआ। गुड इवनिंग। आइए आइए, वेलकम। आपका स्वागत है। हेलो शिनचैन। हेलो हेलो जी। मैं सब कुछ जानती हूँ। मित्सी आ जाओ। अच्छा तो अब यहाँ से हो गई आंटी के घर गई थी। आप लोगों के बीच में आखिर बात क्या हुई? मुझे माफ कर दीजिए हैरी, मैं जरा गुस्से में आ गई थी। कोई बात नहीं मित्सी, मैंने ही तुम्हें काफी भला बुरा सुना दिया था। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हमेशा ज्यादा बोलता रहता है। चलो अब जल्दी से खाना बना लेते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। असल में हम लोगों ने मिलकर कुछ बनाया था आपके लिए, खिचड़ी। बहुत टेस्टी खिचड़ी। आज मैं बहुत समय के बाद खिचड़ी खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। सच में ये बहुत अच्छा है, आप खिचड़ी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। वाकई? तब तो मुझे नौकरी छोड़कर खिचड़ी की दुकान खोलनी चाहिए। मॉम क्या ही टेस्टी है। हाँ बहुत टेस्टी है, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। आपको बताइए इतना टेस्टी क्यों है? क्योंकि इस खाने में मेरा और डैड दोनों का प्यार भरा हुआ है। दोनों का प्यार? ये चीजों को जरा अलग तरीके से बोलता है। हाँ